ब्रीडिंग भी हमारे लिए करनी है, नहीं कि मतलब सेल आउट के लिए ब्रीडिंग भी करेंगे तो हमारे लिए करेंगे, ताकि आगे चलते इसकी बर्डलिंग को संभाले या और शोज में जीते। तो गाइस देखो, ये भी एक सीक्रेट है बहुत सारे ब्रीडरों के। भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। इंडिया का वन ऑफ लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कह लो हाइट में, वो दिखा रहे हैं ग्रेट जन। ये हम क्यों नहीं, नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? त्रिपाठी विवेक। त्रिपाठी सर, त्रिपाठी सर कहाँ से? गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद। वेरी गुड, बहुत दूर से आए। कितने किलोमीटर पड़ गया? एक करीब 1060। इतना है करनाल गुजरात से बहुत दूर है। अच्छा जी, गुजरात में ब्रीड के बारे में बताइए, वहाँ भी गुजरातियों को बहुत पसंद है ये ब्रीड? बिल्कुल बिल्कुल। इस ब्रीड के थोड़ा बिहेवियर या क्यों आपको ये ब्रीड पसंद है? ये एक्चुअल फैमिलियर डॉग है। ओके। और अपने ऑनर के प्रति बड़ा लॉयल रहता है। मैंने ना कहीं एक पढ़ा था इसके बारे में, एक लाइन है कि इसकी कद काठी या जितना ये बड़ा है ना, इसका दिल उतना ही छोटा और सॉफ्ट है। ये सच्ची में है? ये सॉफ्ट नेचर है। हाँ। बाय नेचर ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन दिल छोटा है वो नहीं है। नहीं, दिल छोटा, अपनी चीजें शेयर कर सकता है दूसरे को। वो भी अलग पॉइंट है, ठीक है। बाकी सर बताइए कि ये ब्रीड आप कब से इस ब्रीड में? ये एक्चुअली मेरा सेकंड ग्रेट डेन है। इससे पहले एक मेल था मेरे पास, ये फीमेल है। लॉकडाउन में इसे लाए थे हम। ठीक है, थोड़ा बताइए इस ब्रीड का आपको इंडियन क्लाइमेट में कभी लगा कि कोई है रखने नहीं, में कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं। बस ये गर्मियों में इसके फूड पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। फूड में क्या चेंजेस? जैसे नॉन वेज तो आप पूरा हटा ही दीजिए। अच्छा, गर्मियों में पूरा घर का खाना, कर्ड हुआ, छाछ हुआ, बटर मिल्क जो कहते हैं, ये सब। बाकी इस ब्रीड को कोई एक्स्ट्रा श्रेडिंग या स्किन की प्रॉब्लम? नहीं, फिलहाल तो हमने दो ग्रेट डेन अभी तक पाले हैं, दूसरा है, कभी ऐसे स्किन प्रॉब्लम नहीं आई। और ये जितना ब्रीड बड़ा है, इसको जरूरी है कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत चाहिए? और फिजिकल एक्सरसाइज तो सर हर एक डॉग को चाहिए, चाहे वो छोटा हो या जियान डॉग। कहा जाता है कि छोटे घरों में इस ब्रीड को नहीं रखा जा सकता, फ्लैट्स में नहीं रखना चाहिए, फ्लैट्स में नहीं रखना चाहिए। बाकी तो बड़े घर में या गाँव में जो ऐसे जितने घर होते हैं नॉर्मल में रखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। आपके पास ये स्टड सर्विस है, आपके पास स्टड सर्विस भी अवेलेबल होती है या पपीज होते हैं टाइम टू टाइम? ब्रीडिंग नहीं करते सर। अच्छा, ब्रीडिंग तो मतलब इसको चैंपियनशिप टाइटल क्लियर हो जाए उसके बाद। अच्छा, अभी फिलहाल आप चैंपियनशिप टाइगर। देखो गाइस ना, एक पर्सन वो होते हैं जो बहुत जल्दी ब्रीडिंग कर अपने फाइनेंशियली, और एक टीम ये देखिए गुजरात से आई है, इनको पहले डॉग को चैंपियन बनाना है, उसके बाद फिर करना है जो भी कहते हैं। मतलब सर वो ब्रीडिंग भी हमारे लिए करनी है, नहीं कि मतलब सेल आउट के लिए ब्रीडिंग भी करेंगे तो हमारे लिए करेंगे, ताकि आगे चलकर इसकी बर्डलिंग को संभाले या और शोज में जीते। तो गाइस देखो, ये भी एक सीक्रेट है बहुत सारे ब्रीडरों के कि जो ब्लड लाइन या जो क्वालिटी इनके पास है वो इनके पास ही रहे, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। तो ये आपकी उनकी पूरी टीम है, गुड लक फॉर देम, इतनी दूर आए हैं, और शाम को अच्छा खासा गोल्ड लेकर जाएंगे। थैंक यू।